गांवों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला परिषद के माध्यम से तालुका के ग्रामीण इलाकों में स्कूल शुरू किए गए थे। नागपुर चक में जिला परिषद स्कूल जो यहां पंचायत समिति के तहत लखमापुर बोरी के केंद्र के अंतर्गत आने वाले तालुका मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर है, में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं हैं और 22 छात्र वहां पढ़ रहे हैं। 2 शिक्षक प्रधान अध्यापकों में से एक है, लेकिन पिछले कई वर्षों से स्कूल ने शौचालय, मूत्रालय, कक्षाओं, स्कूल रंग योजना, बिजली बिलिंग और विद्युतीकरण, खेल उपकरण, ध्वनि प्रणाली, खिड़कियां, दरवाजे, मरम्मत, डेस्क, बेंच, टेबल की मरम्मत की है। सूचना की ग्राम पंचायत मुरखला मॉल और पंचायत समिति को पत्र दिनांक 8 नवंबर 2019, 27 नवंबर 2020 और 30 दिसंबर 2021 के माध्यम से ग्राम पंचायत को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि उपलब्ध कराने की सूचना दी गई है। हालांकि रखरखाव के अभाव में विद्यालय की जर्जर हालत में शौचालय, मूत्रालय, झाड़ियां मिली हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे मिलेगी और इसका लाभ उठाने के लिए छात्रों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अजीब लगता है कि ग्राम पंचायत प्रशासन और शिक्षा विभाग ऐसी स्थिति पर ध्यान ही नहीं दे। अभिभावकों और छात्रों ने सवाल उठाया है कि क्या जिला परिषद शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान लेगा। कोरोना भी पिछले 2 वर्षों से स्कूल बंद है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण सभी छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद इस प्रश्न पर ध्यान दे कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सुविधाओं के साथ शिक्षा लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यदि वे इसे वहन नहीं कर सकते। चामोशी से BCN न्यूज के लिए बबन वर्दी टिटवा की रिपोर्ट।